सुदर्शन टीवी के शो यूपीएससी जिहाद पर सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई चल रही है। कल मेरी सहकर्मी अनुष्का ने इस पर एक वीडियो रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में से पहले सेंसरशिप किस पर आनी चाहिए, अगर आई तो। उस वीडियो को आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं और स्वराज्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या हुआ आज की सुनवाई में, न्यायाधीशों ने क्या कहा और सुदर्शन टीवी की तरफ से उनके बचाव में क्या तर्क रखे गए। श्याम दीवान, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुरेश चव्हाण के का, उन्होंने बताया कि यह जो रिपोर्ट है, जो 10 एपिसोड की श्रृंखला है, जिसके 4 एपिसोड प्रकाशित हो चुके हैं, प्रसारित हो चुके हैं, वह खोजी पत्रकारिता पर आधारित है। यानी सभी तथ्यों को विश्वसनीय सूत्रों से खोजकर उनका पुनः परीक्षण करके ही इस रिपोर्ट में डाला गया है। कोई भी मनगढ़ंत बात इस वीडियो में नहीं है, इस सीरीज में नहीं है, और साथ ही अगर इसमें कोई समस्या पाई जाती है तो उसके लिए पोस्ट सेंसरशिप का प्रावधान देश में पहले से ही है। इसलिए प्री सेंसरशिप करना जरूरी नहीं है, इसे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को इसका अधिकार है कि वे तथ्यों को जाने, क्या चल रहा है उसे जाने। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में मुस्लिमों को गलत नहीं दिखाया गया है, बल्कि ज़कत फाउंडेशन, जो फंड करती है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मुस्लिम छात्रों को, उनकी फंडिंग को उजागर किया गया है। यह फंडिंग कहां से आती है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन सुदर्शन टीवी ने पता लगाया है कि कई पाक समर्थित ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन्हें फंड करती है और कितने रुपए फंड करती है यह भी बताया है। साथ ही श्याम दीवान ने बताया कि उनके क्लाइंट ने सिर्फ एक तरफा पक्ष नहीं रखा, उन्होंने ज़कत फाउंडेशन के प्रमुख से भी बात करने की कोशिश की थी ताकि वे बताएं कि यह फंड कहां से आता है। इसलिए यह जो रिपोर्ट है वह दो तरफा है, वह एक तरफा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद, सभी 10 एपिसोड के प्रसारित होने के बाद इसमें कोई समस्या पाई जाती है तो उसके लिए मानहानि का दावा किया जा सकता है, कोई अन्य दावा भी किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रसारण से पहले ही इसे रोक देना, इस पर प्रतिबंध लगा देना कोई समाधान नहीं होगा। इस बात की सुनवाई 3 न्यायाधीशों की बेंच कर रही थी, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि वे जानते हैं कि प्री सेंसरशिप एक स्लिपरी स्लोप है, यानी नीचे की ओर जाती हुई ढलान है। अगर वे एक बार प्री सेंसरशिप करेंगे तो इसके लिए मांग बाद में और जगहों से भी उठेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने माना कि कुछ मामले इतने संवेदनशील होते हैं जिसमें ऐसा करना आवश्यक होता है। न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कुछ ग्राफिक्स पर भी प्रश्न खड़े किए, जैसे उनके बैकग्राउंड में शोले, आग, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है जो न्यायालय के अनुसार उकसाता है, यह भड़काऊ है। एक और चीज पर आपत्ति दर्ज की गई वह यह थी कि किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को दर्शाने के लिए उसे स्कल कैप, दाढ़ी और हरे रंग में ही दिखाया गया है, जो कि एक प्रकार का स्टीरियोटाइप है और इसे उन्होंने मना किया है। ऐसे ही इंदु मल्होत्रा ने भी आपत्ति दर्ज की, लेकिन इसके जवाब में डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय सेंसर बोर्ड का काम नहीं कर सकता कि क्या रखना है, क्या हटाना है, वह एक एक चीज नहीं बता सकता, बल्कि जो प्रोग्राम बना रहे हैं उन्हें अपनी ओर से सारे संशोधन करने चाहिए। साथ ही जस्टिस जोसेफ ने कहा कि ये जो बात उठाई जा रही है कि एक षड्यंत्र के तहत मुस्लिमों की संख्या यूपीएससी में बढ़ाई जा रही है तो वह गलत है, क्योंकि अगर हम आम तौर पर देखें तो स्वाभाविक रूप से हर समुदाय चाहता है कि उसका लोग, उसके लोग आगे आए, उसका व्यक्ति विकास करे, और ऐसा ही अन्य समुदाय के साथ भी होता है। इसलिए सिर्फ मुस्लिमों पर ऐसे षड्यंत्र का आरोप लगाना गलत है। इस प्रकार की चर्चाओं के साथ आज की सुनवाई पूरी हुई। आगे के लिए आप जुड़े रहें स्वराज्य से।